सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहेब अंबेडकर का, जिन्होंने हमें सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भिक्षुगण, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धम्म बंधु, आज इस कल्पतरु बुद्ध विहार में मूर्ति स्थापना हुई, तो आज इस शुभ मंगल अवसर पर आप लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आपने इस मंगल अवसर पर मंगल सूत्र के पाठ का भी श्रवण किया। तो जब ये बुद्ध विहार बनाया है तो विहार का मकसद क्या है, ये पहले जानना जरूरी है। विहार शब्द की परिभाषा क्या है, किसको हम विहार कहते हैं? बुद्ध की मूर्ति स्थापना हो गई तो बुद्ध विहार तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या, किस बात के लिए आपने विहार बनाया है, इसका मकसद क्या है, ये जानना जरूरी है। तो विहार शब्द का अर्थ ये होता है, जहां पर विशेष आहार मिले वो विहार। विहार का अर्थ क्या है? जहां पर विशेष आहार मिले वो विहार। तो यहां पर कौन सा विशेष आहार मिलता है? क्या पुलाव स्पेशल कुछ ऐसा मिलता है इसलिए विहार है क्या? नहीं, ये आप आपके घर में पका के खा सकते हैं, कहीं बाहर होटल में खा सकते हैं। तो विहार में कौन सा विशेष आहार मिलता है इसलिए हम विहार कहते हैं? विहार में यहां पर कौन सा है वो विशेष आहार जिसके लिए आप आते हैं? यहां पर आने के बाद आपको जो पहला आहार मिलता है वो है शील का विशेष आहार मिलता है, इसलिए विहार है ना। जब भी आप बौद्ध विहार में आते तो पहले क्या है, त्रिशन पंचशील लेते हैं कि नहीं? तो शील का विशेष आहार मिलता है इसलिए विहार। उसके बाद समाधि का विशेष आहार मिलता है इसलिए विहार। प्रज्ञा का विशेष आहार मिलता है इसलिए विहार। तो विहार यानी जहां पर शील समाधि प्रज्ञा का आहार अगर मिलता है निरंतर तो वो विहार है, वरना वो विहार का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जब ये विहार बनाया है तो निरंतर आकर यहां पर आपको शील लेना होगा, समाधि का अभ्यास करना होगा और प्रज्ञा जगाने के लिए धर्म चर्चा धर्म श्रवण करना होगा। और फिर जी बुद्ध को जब हम वंदन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। बुद्ध की मूर्ति स्थापित की है तो ये क्या दूसरे भगवानों की तरह है क्या? क्यों हम इनको पूज रहे हैं, क्यों इसकी मूर्ति स्थापित की है? तो आमतौर पर सभी लोग अपना मंगल चाहते हैं, है ना, क्या कि हमारा भला हो हमारा मंगल हो, तो इसीलिए कोई किसी की पूजा करता है, कोई कुछ व्रत करता है, अनेक प्रकार के कर्म आदमी करते हैं। तो ये जो हमने मंगल कार्य किया है, बुद्ध मूर्ति की स्थापना की है, बुद्ध को वंदना कर रहे हैं और जिसको पूज रहे हैं, तो उनको क्यों पूज रहे हैं, किस लिए पूजना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे मंगल सूत्र के पहली गाथा में भगवान बुद्ध ने कहा कि असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमं। असेवना च बालानं यानी मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए, पंडितानं च सेवना जो पंडित लोग हैं जो ज्ञानी लोग हैं उनकी सेवा में उनके संपर्क में रहना चाहिए, पूजा च पूजनीयानं जो पूजनीय हैं उनको ही पूजना चाहिए, किसी भी अरे गरे नत्थु खैरे को पूजना नहीं चाहिए, एतम मंगलम उत्तमं तब जाके तुम्हारा उत्तम मंगल होगा। तो अब असेवना च बालानं यानी मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए, तो प्रश्न ये है कि मूर्ख कौन है, पंडितानं च सेवना तो फिर पंडित कौन है, पूजा च पूजनीयानं जो पूजने उनको पूजना चाहिए तो कौन पूजनीय है, इन बातों को भी जानना जरूरी है। तो आमतौर पर दुनियादारी में हम मूर्ख किसको कहते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि असेव नाच बालानं, मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए, तो आमतौर पर मूर्ख हम किसको कहते हैं, कौन है मूर्ख? जो अनपढ़ गवार है, पढ़ना लिखना नहीं आता, बोलचाल नहीं आता, है ना,
उसको हम मूर्ख कहते हैं। तो क्या भगवान भी उसी मायने में मूर्ख कह रहे हैं क्या? तो भगवान की क्या परिभाषा है जब मूर्ख कह रहे हैं? तो आमतौर पर दुनियादारी में हम अनपढ़ गवार जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है ऐसे लोगों का मूर्ख कहते हैं, लेकिन जब भगवान कह रहे हैं मूर्ख तो भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान कहते हैं कि जो पंचशील का पालन नहीं करते वो है मूर्ख। यानी जो हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, नशा पता करते हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि ये अपनी भी हानि करते हैं औरों की भी हानि करते हैं। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग अब ऐसे लोगों की संगत रखना ही पड़ता है क्योंकि समाज में रहते हैं। मैं तो पंचशील का कड़ाई से पालन करता हूँ, मैं तो पंचशील का कड़ाई से पालन करती हूँ, लेकिन क्या है ना कि अब समाज में रहते तो कुछ मित्रता रखना ही पड़ता है, रिश्तेदारों तो निभाना पड़ता है, भले वो पंचशील का पालन ना करें। तो आपको लगता हो कि मैं तो पालन करता हूँ, दूसरा पालन नहीं करता, और उसके साथ अगर मैं दोस्ती रखूँ, संगत रखूँ, तो मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो फिर बुद्ध जो कह रहे हैं कि मूर्खों की संगत नहीं करना चाहिए, यानी दुष्टों की संगत या उनकी सेवा में नहीं रहना चाहिए, तो फिर उसका अर्थ क्या हुआ? उसका नुकसान कैसे हो सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपका कोई मित्र है, वो पंचशील का पालन नहीं करता, लेकिन आप उससे मित्रता रखते हैं, बोलते मैं तो शील का पालन करता हूँ, मित्र है, मित्रता दुनियादारी में रखनी पड़ती है। तो मान लो वो चोरी करता है या डाका डालता है या मर्डर करता है या रेप करता है, कुछ गलती करता है, तो जब वो अपराध करता है तो पुलिस जब आती है तो पहले किसको पकड़ती है? जो अपराध करता है वो तो भाग जाता है, तो पुलिस आके किसको पकड़ती है? पहले किसको पकड़ती है पुलिस आकर? उसके जो मित्र है, उसके जो रिश्तेदार है, उसको पकड़ती है, उसको पकड़ के जेल में डालती है, उसको मार पीट कर पता लगाती है कि कहाँ है तुम्हारा मित्र, कहाँ है। तब पुलिस वाले को भी मालूम है कि तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारा दोष क्या है कि तुम उस चोर के, उस मर्डरर के मित्र हो या उसके रिश्तेदार हो, बस इतना ही उसको मालूम है, और उसके कारण वो उसको आपको पकड़ के जो है मारता है, पीटता है और पता लगाने की कोशिश करता है। तो इस उदाहरण से पता चल गया कि हम भले ही शील का पालन करते हो, लेकिन अगर हमारे मित्र या रिश्तेदार दुशील है तो अगर वो भी गलती करते हैं तो हम पकड़े जाते हैं, हमको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो उस मायने में भगवान बुद्ध ने कहा कि असेव नाच बालन, मूर्खों की संगत मत करो, और मूर्ख कौन है? जो दुशील है उनकी संगत मत करो, वरना तुमको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब पंडित आनंच सेवना, तो पंडित यानी कौन है दुनियादारी की भाषा में? जो बहुत पढ़ा लिखा है, शास्त्रार्थ है, डिग्रियां है, PhD है ना, वो पंडित है। तो भगवान बुद्ध के अनुसार भी वही पंडित है क्या? और भगवान बुद्ध के समय तो PhD थी नहीं, डिग्रियां थी नहीं, तो वो सब क्या मूर्ख थे? पंडित कौन है फिर? तो भगवान बुद्ध के अनुसार पंडित कौन है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पंचशील का पालन करते हैं वो पंडित है। कौन पंडित है? जो पंचशील का पालन करते हैं वो पंडित है। यानी अगर हम किसी को शिक्षित कहते हैं तो शिक्षित कौन है? जो शीलवान है वो शिक्षित है। अगर कोई कहता है मैं शिक्षित हूं लेकिन अगर शीलवान नहीं है तो वो शिक्षित होकर भी शिक्षित नहीं है। और वास्तव में जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारा समाज शिक्षित हो, तो उसके पीछे क्या मकसद होता है? कि भाई ये बच्चे, मेरा समाज शिक्षित होगा तो इसको ठीक क्या है, गलत क्या है समझ में आएगा, गलत नहीं करेगा ठीक करेगा, इसे अच्छा क्या है बुरा क्या है समझ में आएगा तो ये बुरा नहीं करेगा अच्छा करेगा, इसलिए हम कहते हैं शिक्षित बनो। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा करेगा बुरा नहीं करेगा, इसका मतलब ये शीलवान बनेगा, दुशील नहीं बनेगा। तो सही मकसद जो है आदमी को शिक्षित करने का, वो क्या है? कि हम आदमी को, इंसान को शीलवान बनाए। तो शीलवान व्यक्ति ही पंडित है, शीलवान व्यक्ति ही वास्तव में शिक्षित है। तो ऐसे की संगत करनी चाहिए, ऐसे के मित्रता करनी चाहिए, ऐसे लोगों की सेवा में रहने चाहिए, ऐसे लोगों से संबंध रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहोगे तो तुमको भी ज्ञान मिलेगा, तुमको भी सही मार्गदर्शन मिलेगा, और अगर छोटी मोटी गलतियां हो ही भी जाती है तो लोग तुमको क्षमा भी कर देते हैं। जैसे मान लो आपने कुछ गलती की और पुलिस वाला आया,
आपको पकड़ने, लेकिन समाज के अच्छे अच्छे लोग अगर मिलके कहे नहीं नहीं ये हमारे साथ ही रहता है, अच्छा व्यक्ति है, जाने अनजाने में इसको गलती हो गई, इसको क्षमा कर दो, छोड़ दो, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, छोड़ के, अरे समाज के बड़े बड़े लोग अच्छे लोग उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से अच्छे लोगों के साथ रहने से ये हमको फायदा होता है, एक तो अपने को मार्गदर्शन मिलता है, और जाने अनजाने अगर कोई गलती हो भी जाती है तो हमको क्षमा भी मिल जाते हैं। तो इसलिए पंडित लोगों के यानी शीलवान लोगों की संगत में रहना चाहिए, उनकी सेवा में रहना चाहिए। अब तीसरा है पूजा च पूजनीयानम, जो पूजनीय है उसको ही पूजना चाहिए, किसी भी अरे गरे नत्थु खैरे को पूजना नहीं चाहिए। तो कौन पूजनीय है, हम कैसे कहेंगे कौन पूजनीय है, तो जिसको हम पूजे, हम कहते हैं हम भगवान को पूजना, जो भगवान है उसको पूजना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। तो फिर वही प्रश्न है कि भगवान कौन है, भगवान कौन है या नहीं कैसे जानोगे, कोई भी कहता है मैं भगवान हूं तो मान लोगे, तो कैसे पता लगाओगे कि कोई भगवान है या नहीं, दुनिया में इतने सारे तुम भगवान बोल के पूछते हो, वास्तव में वो भगवान है या नहीं कैसे पता चले, क्या बेवकूफ है, तेरा बाप डॉक्टर है और डॉक्टर को अगर तू पैदा हो तू डॉक्टर कैसे हो सकता है, लेकिन वही धर्म के नाम पर हम कैसे पूछ रहे हैं, मैं भगवान का पुत्र हूं बस मान ले रहे हैं। भगवान का पुत्र होने से कोई भगवान हो जाता है क्या, उसकी कोई अपनी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए क्या, उसकी कोई अपनी क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं, या उसी तरह से कोई कहता है मैं भगवान का दूत हूं इसलिए मैं भी भगवान हूं मुझे पूजो, तो क्या भगवान का दूत होने से वो भी भगवान हो जाता है, दूत यानी कौन, संदेशवाहक, जो समाज संदेश लेकर आता है अपना, या आम भाषा में हम कहते हैं पोस्टमैन, है ना, तो मान लो पोस्टमैन आपके पिताजी का लेटर लेके आया और आपको दिया और बोलता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का दूत हूं क्योंकि लेटर लाया हूं इसलिए मैं भी तुम्हारा पिताजी हूं, मानोगे, बोलो क्या बेवकूफ है, खींच के थप्पड़ भी दोगे उसको, मेरे पिताजी का दूत है ठीक है उसका संदेश लाया है तो तू मेरा पिताजी कैसे हो सकता है, लेकिन वही धर्म के नाम पर कोई कहता है कि मैं भगवान का दूत हूं इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए भगवान हूं और हम लोग मान लेते हैं, हम पूछते हैं कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारी काबिलियत क्या है, तो इसीलिए किसी को भी भगवान मानने के पहले, भगवान का अगर स्वीकार करने के पहले उसकी क्या क्वालिफिकेशन है ये जानना चाहिए कि नहीं, तो भगवान होने की क्वालिफिकेशन क्या है, भगवान बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन है क्या नहीं, या पैदाशी भगवान होते हैं या चमत्कार से भगवान होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, तो भगवान का क्या क्वालिफिकेशन है, तो स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है कि भग्ग रागोति भगवान, भग्ग दोषोति भगवान, भग्ग मोहोति भगवान, यानी जिसके अंदर राग पूरी तरह से भग्न हो गया वो है भगवान, जिसके अंदर द्वेष पूरी तरह से भग्न हो गया वो है भगवान, जिसके अंदर मोह पूरी तरह से भग्न हो गया वो है भगवान, यानी जो कोई भी है अगर उसके अंदर राग द्वेष मोह पूरी तरह से भग्न हो गया है तब हम उसको भगवान कह सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फिर दूसरा है भग्ग दोषोति भगवान, जिसका द्वेष पूरी तरह से भग्न हो गया वो भगवान, तो जिनको तुम पूज रहे हो क्या उनका द्वेष दूर हो गया है क्या, तुम खुद ऐसी देवी देवताओं को पूज रहे हो जो एकदम खून के प्यासे हैं, इतने सारे हथियार, चार चार हाथों में चार दस हथियार लेकर घूम रहे हैं, इतना द्वेषी भगवान, भगवान को हत्या करने की आवश्यकता है, भगवान को हथियार लेकर घूमने की आवश्यकता है, इतना द्वेष भगवान में, भगवान को इतना द्वेष करने की आवश्यकता क्या है, एक आम आदमी अगर हथियार लेकर मान लो तुम्हारे बस्ती में घूमता है तो तुम तुरंत क्या कहते हो, अरे कोई गुंडा हमारे बस्ती में घूम रहा है, तुरंत पुलिस को फोन करते हो, पुलिस जल्दी आ जाओ हमारे बस्ती में कोई गुंडा हथियार लेकर तलवार लेकर घूम रहा है, बंदूक लेकर घूम रहा है, करते हो क्या नहीं पुलिस को, फिर जब यहां भगवान ही हथियार लेकर बैठे हुए घूम रहे हैं तो ये कौन से गुंडे भगवान है, ये कौन से हत्यारे भगवान है, और कौन से पुलिस स्टेशन को फोन करके कहते हो कि देखो हत्यारे भगवान बैठे हुए आके जल्दी इनको अरेस्ट करो,
कहते हो क्या? उनको तो पूछते हो। आम आदमी हथियार लेकर घूमता है तो वो गुंडा है, यहां भगवान इतने हथियार लेकर बैठते तो वो तुम्हारे लिए भगवान है। क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? इतने मानसिक रूप से विकलांग हो गए हो कि विश्लेषण भी नहीं कर पाते, इतने मंद बुद्धि हो गए हो कि कौन भगवान है कौन नहीं है, उनके अंदर क्या गुण है। आम आदमी को हम गुंडा कहते हैं और वही हथियार भगवान ले ले तो बहुत महान भगवान कहते हैं। ये कैसा विश्लेषण है? तो भग्ग दोषो, ये क्वालिफिकेशन जमता नहीं है। फिर तीसरा है भग्ग मोहोति भगवान, जिसका मोह भग्न हो गया वो है भगवान। तो मोह यानी क्या है? बेहोशी में रहना, है ना, होश खो देना, उसको मोह कहते हैं। होश में रहना चाहिए, लेकिन आज कितने भगवान होश में रहते हैं? कोई भगवान गांजा पी रहा है, कोई भगवान को शराब चढ़ा रहे हैं। तो भगवान को मोह में पड़े रहने की आवश्यकता है? तो भग मोहोति भगवान हम बोल रहे हैं, कहां पर मोह है? भग्न हुआ है क्या उनका मोह? तो ये तीनों गुणों में से, भग रागो भग दोषो भग मोह में से तीनों गुण होना चाहिए। तीनों गुण में से एक भी गुण तो दिखाई नहीं दे रहा है। खुद भगवान आम आदमी से ज्यादा रागी है, खुद भगवान आम आदमी से द्वेषी है, खुद भगवान आम आदमी से मोही है, और फिर हम उनको पूज रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा भला हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? फिर किसी भगवान को पूज रहे हो कि क्या है कि वो विद्या की देवी है, उस देवी को हम पूजेंगे तो हमको विद्या मिल जाएगी। खाली पूजने से विद्या मिल जाएगी क्या? क्या बाबा साहब ने किसी को पूज कर विद्या प्राप्त की? बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली और तुम लोगों को सबको भी दी। तो बाबा साहब जब दीक्षा ले रहे थे तो कई अनेक धर्म गुरु आकर उनको प्रलोभन दे रहे थे कि भाई हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको जितना बोले उतना पैसा देंगे, सब सुख सुविधा देंगे। और खास करके उस जमाने में दुनिया का सबसे अमीर आदमी हैदराबाद का निज़ाम, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, उन्होंने कहा बाबा साहब के आ जाओ, हमारा इस्लाम स्वीकार करो, हम तुमको जो चाहे वो देंगे। तो क्या बाबा साहब को ये मालूम नहीं था कि मेरा समाज इतना गरीब और लाचार है और ये निज़ाम सब कुछ देने को तैयार है, चलो पैसा लेते हैं और मेरे समाज में बांट देते हैं तो सारी समस्या हल हो जाएगी? क्या इतनी भी अकल बाबा साहब में नहीं थी क्या? फिर क्यों बाबा साहब ने वो स्वीकार नहीं किया? बाद में जैनियों ने भी कहा हमारा धर्म स्वीकार करो, हम जो चाहे वो देंगे, उसको भी नकार दिया। क्रिश्चियनों ने भी दिया, उनको नकार दिया। सिख लोगों ने कहा, उनको भी नकार दिया। ये लोग सब पैसा लत्ता सब कुछ देने को तैयार थे, फिर भी बाबा साहब ने नकार दिया, जबकि मालूम था कि मेरा समाज इतना गरीब और लाचार है। और जब धर्म दिया तो कौन सा धर्म दिया? जो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था। देने को क्या तैयार था? केवल त्रिशर और पंचशील देने को तैयार था, है कि नहीं? दीक्षा भूमि पर चंद्रमणि पंत ने क्या पैसे बांटे? क्या क्या कपड़े बांटे? क्या दिया? खाली त्रिशर पंचशील दिया। बाबा साहब ने भी क्या लिया? त्रिशर पंचशील लिया। त्रिशर पंचशील दिया, 22 प्रतिज्ञा दी। क्यों क्यों बाबा साहब ने शील वाला धर्म दिया? इसके ऊपर कभी हमने विचार किया कि जब इतने पैसे लते सब देने वाले तैयार थे और हमारा समाज गरीब था, तो फिर बाबा साहब ये पैसे वाला धर्म ना लेकर हमको ये शील वाला धर्म क्यों दिया? कभी इसके ऊपर हमने ये 60 सालों में विचार किया क्या कभी? अगर विचार करते तो आज हमारी ये परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती। तो बाबा साहब ने तो पैसे कमाने की है सारी सुविधा तुमको 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसी में तुम्हारा रिजर्वेशन, तुम्हारा स्कॉलरशिप, सारी सुख सुविधा उसमें दे दी थी और उसके पहले से भी दे दी थी। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि अरे ये जो समाज है ये तो खाली शिक्षा ले रहा है और अपने पेट पालने, बीवी बच्चे पालने में, अय्याशी करने में लगा हुआ है, जो असली काम करना है वो नहीं कर रहा। तो जब उनको ये झटका लगा तो उनको लगा रहे अब इनको मैं फिर पैसे वाला धर्म दूंगा तो फिर ये खा पी के मौज मस्ती करेंगे लेकिन ढंग से जिंदगी जीने वाले नहीं है और दूसरों को मदद भी करने वाले नहीं है। और वैसे भी मेरा समाज जो है वो मेहनती समाज है, मेहनत तो करता है, पैसा भी खूब कमाता है, लेकिन फिर भी जिंदगी में ऊपर नहीं आ पाता। क्यों?
क्योंकि उनको समझ में आया कि इनमें शील की कमी है। अगर ये शीलवान नहीं होंगे तो इनको कितना भी पैसा दो, कितनी भी सुख सुविधा दो, ये जिंदगी में ऊपर आने वाले नहीं है, अय्याशी करेंगे और फिर सड़क पर आ जाएंगे। ये बात बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, इसलिए बाबा साहब ने जितने भी धर्म, पैसा, लत्ता सब देने को तैयार थे, उन सब धर्म को नकार कर केवल जो शील का धर्म है वो हमको दिया। लेकिन हमने वो धर्म लिया, शील के ऊपर ध्यान दिया क्या? नहीं, हम भी फिर पैसे के पीछे भागने में लग गए। आज हमारा समाज कैसा है? शीलवान है ऐसा हम कह सकते हैं? हर कोई महाराष्ट्र गुटखा खाने में, तंबाकू खाने में, खर्रा खाने में, तंबाकू, शराब, ये बौद्ध समाज है। अगर ये एक शील पे अगर ये समाज पालन करता तो आज ये समाज कहां का कहां पहुंच गया होता? 60 साल में केवल महाराष्ट्र नहीं, सारा भारत बौद्धमय हो गया होता। और जो गरीबी से तरस रहे हैं उनकी गरीबी कब की दूर हो जाती? 60 साल के बाद ये धर्म लेने के बाद भी अगर उनकी उन्नति नहीं हो रही है, उनकी प्रगति नहीं हो रही है, तो ये देश दोष क्या बुद्ध का है? ये दोष क्या धम्म का है? ये दोष क्या संघ का है? ये दोष आप लोगों का है जो पंचशील का पालन नहीं करते। तो जब तक पंचशील का ढंग से पालन नहीं करोगे आपकी प्रगति होने वाली नहीं है। चाहे और एक बुद्ध आ जाए या और एक बाबा साहब आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार तभी होगा जो बुद्ध ने कहा शील के बारे में, जो बाबा साहब ने शील का धर्म दिया, उस शील का पालन करोगे तो जिंदगी में उद्धार हो सकता है, प्रगति हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो इसलिए ये शील पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि सीले न सुगति मियंति, सीले न भोग संपदा, सीले न निभूति मियंति, तस्मा शीलम विशोदे। बुद्ध क्या करे? सीले न सुगति मियंति, सील से तुमको सुगति प्राप्त होगा। सीले न भोग संपदा, जो पैसा लत्ता बंगला गाड़ी जो बोल रहे हो वो शील से प्राप्त होगा। सीले न निभूति मियंति, निर्वाण जैसा परम सुख भी शील से प्राप्त होगा। तस्मा शीलम विशोदय, इसलिए शील को शुद्ध करो। तो क्या भगवान बुद्ध को मालूम नहीं है कि ये दुनियादारी के लोग हैं, इनको पैसा चाहिए तो मुझे इनको पैसे के ऊपर जोर देना चाहिए, ऐसा बोल के पैसे के बारे में बताना चाहिए ना? तो शील के बारे में न कहकर भगवान बुद्ध को कहना चाहिए पैसे न सुगति मियंति, पैसे न भोग संपदा, पैसे न निपुति मियंति, इसलिए पैसे कमाते रहो, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध भी जानते हैं कि लोग जो है पैसा कमाने में कोई भी कमी नहीं है, पैसा तो हर कोई कमाता है, बहुत नहीं तो इतना तो कमा लेता है कि आराम से अपना खान पान, अपना रख रखाव, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये शील न रहने के कारण इनकी प्रगति और उन्नति नहीं हो पाती। वरना पैसे तो क्या है, आदमी के हाथ का मैल है, हर कोई मेहनत करता है, कौन काम नहीं करता बताओ? काम करते हैं, लेकिन जो लोग शील का पालन नहीं करते वो जो कमाते हैं वो खड्डे में चला जाता है, या जो नशा पता में गिरते फिर वो मेहनत ही नहीं कर पाता, ढंग से काम नहीं कर पाता, बीमार रहता है, फिर वो कैसे क्या वो उन्नति करेगा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से? लाया क्या गुटखा खाने के लिए, शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए? उस आदमी ने करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर भूखे रहकर पढ़ाई की, मेहनत किया, हक अधिकार दिलाया, उस व्यक्ति ने कभी एक गुटखा नहीं खाया, कभी एक सिगरेट नहीं फूका, कभी एक बोतल शराब नहीं पी। और तुम लोग उनका नमक खाकर शराब पीते हो, गुटखा पीते हो, खाते हो, तंबाकू खाते हो, शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? जो लोग बाबा साहब का नमक खाकर जिंदगी में ऊपर आए और शराब पी रहे हैं तो वो शराब नहीं पी रहे हैं, वो बाबा साहब का खून पी रहे हैं, ये उनमें एहसास होना चाहिए। जो लोग बाबा साहब का नमक खाकर जिंदगी में ऊपर आए और वो गुटखा खा रहे हैं तो वो गुटखा नहीं खा रहे, बाबा साहब का मांस खा रहे हैं, ये उनमें एहसास होना चाहिए। ये एहसास है तुम लोगों में जो गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं? मुंह में गुटखा रखते हो और जय भीम बोलते हो, शराब पीते हो और जय भीम बोलते हो, बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब का भी नाम बदनाम करते हो कि कैसे जय भीम के लोग शराब पी के रहते हैं,
बौद्ध धर्म लेके उनमें क्या परिवर्तन आया। आज शराबी गुटकेबाजों के वजह से हमारा बौद्ध धर्म भी बदनाम हो रहा है, हमारे बाबा साहेब भी बदनाम हो रहे हैं। बाबा साहेब ने कभी गुटखा खाते हुए देखा है क्या, सिगरेट पीते हुए देखा है, शराब पीते हुए देखा है? तो तुम जय भीम बोलने वाले तुम कैसे गुटखा खा रहे हो, शराब पी रहे हो? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जिन जिन लोगों ने ये बात सुनी है तो आज ये गांठ बांध लो कि जो जो बाबा साहेब के अनुयायी है, बाबा साहेब का नमक खाए, वो शराब नहीं पीएंगे। अगर वो शराब पीएंगे तो शराब नहीं बाबा साहेब का खून पी रहे हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। जो जो लोग गुटखा तंबाकू खा रहे हैं आज गांठ बांध लो कि हम लोग ये नहीं खाएंगे। अगर वो बाबा साहेब का नमक खाकर भी ये गुटखा अगर तंबाकू खा रहे हैं तो वो बाबा साहेब का मांस खा रहे हैं, ये उनको हमेशा जताना चाहिए। अपने घरों में रिश्तेदार जो भी हैं, माँ बाप भाई बहन और जो भी मित्र है, इनको बार बार याद दिलाना चाहिए शराबियों को, ये गुटकेबाजों को, कि बाबा साहेब ने ये सब नहीं खाया, तुम क्यों खा रहे हो? बाबा साहेब तुमसे भी ज्यादा मेहनत किए, उनको ये जरूरत नहीं पड़ी, तुम ऐसा कौन सा मेहनत कर रहे हो जो तुमको गुटखा चाहिए, शराब चाहिए? तो इसलिए ज्यादा समय न लेकर मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज जब आपने ये विहार में बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की है तो उस बुद्ध धर्म के अनुसार अपना जीवन को ढाले। खाली बुद्ध मूर्ति लगाओगे और घरों में जाके शराब पियोगे, गुटखा खाओगे, क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पहले भी तुम गुटखा खाते थे, शराब पीते थे, अब बौद्ध धर्म लेने के बाद भी अगर वही करते हो तो तुमको बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्या है? बाबा साहेब का नाम लेते हो, जय भीम बोलते हो, तो बाबा साहेब ने तो कभी शराब नहीं पिया, कभी गुटखा नहीं खाया, तो तुम क्यों खाते हो? और खाते हो तो फिर बाबा साहेब का नाम क्यों लेते हो, जय भीम क्यों बोलते हो? यह प्रश्न हर किसी को सोचना पड़ेगा, हर किसी को दूसरे से जो शराब पीता है गुटखा खाता है उनको यह प्रश्न करना होगा जब तक कि वो ये छोड़ नहीं देते। तो आज आप लोग यहां पर आए त्रिशन पंचशील लिया तो ये कड़ाई से शील का पालन करोगे तभी बौद्ध हो, वरना बौद्ध बनने का कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध को अपना गुरु माना है तो शील का पालन करना होगा, वरना बुद्ध को गुरु मानने में कोई अर्थ नहीं है। बाबा साहेब के अनुयायी हो, बाबा साहेब ने इतना मेहनत करके ये धर्म दिया है तो आपको ये पंचशील का पालन करना होगा, वरना तुम बाबा साहेब के अनुयायी नहीं हो, इस बात को आपको समझना होगा। तो आज यहाँ पर आए, त्रिशन पंचशील लिया, ध्यान से प्रवचन सुना, परित्राण पाठ का श्रवण किया, इस अनेक प्रकार से जो भी आज आपने पुण्य कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो, ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।